दोस्तों महाभारत काल में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए थे, लेकिन महारथी कर्ण और बर्बरीक जैसा कोई नहीं हुआ। और महाभारत काल में कई युद्ध हुए, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी था जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा ही भयंकर युद्ध कर्ण और बर्बरीक के बीच हुआ था, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। महारथी कर्ण के पास थे दिव्य कवच और कुंडल, जिनको किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था, और बर्बरीक के पास थे तीन अमोघ बाण, जिनको काट पाना असंभव था। दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। महारथी कर्ण के कवच और कुंडल को देख देवता और राक्षस भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। और दूसरी तरफ थे बर्बरीक, जिन्हें भगवान शिव से कभी खत्म ना होने वाले तीन अमोघ बाण मिले थे, और कहा जाता था कि वह मात्र अपने तीन अमोघ बाण से पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक को आज कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण बर्बरीक और महारथी कर्ण के बीच युद्ध हुआ था, और कौन जीता था इस युद्ध में, तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। दोस्तों यहां बात उस समय की है जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे और जगह जगह कौरों से छुपकर रह रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घटोत्कच के पास होने वाले महाभारत युद्ध का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे, और तभी कौरवों का गुप्तचर उन्हें देख लेता है और यह बात जाकर वह दुर्योधन को बता देता है। अब तब दुर्योधन कर्ण और अपनी सेना के कुछ सैनिकों के साथ पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने के लिए घटोत्कच की गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। अब जब दुर्योधन गुफा तक पहुंचते हैं, तब अपने सैनिकों के साथ गुफा की चारों तरफ से घेराबंदी कर देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी पहले से ही यह बात समझ जाते हैं और वह अर्जुन को बताते हैं कि दुर्योधन गुफा के बाहर आया है तुम्हारा अज्ञातवास भंग करने। अब यह बात सुनकर अर्जुन गुफा से बाहर जाने की बात करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को रोकते हैं और कहते हैं, नहीं पार्थ, यह उपयुक्त समय नहीं है। तुम अज्ञातवास भोग रहे हो और वह सब लोग तुम्हारे लिए ही आए हैं। यह सब देखकर पास में खड़े बर्बरीक कहते हैं, हे प्रभु, मैं महारथी कर्ण को रोक दूंगा, या तो शांति से या तो द्वंद से। अब इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आपको पता है महारथी कर्ण कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं और उन्हें रोकना इतना भी आसान नहीं है। अब इस पर बर्बरीक कहते हैं, हे गोविंद, आपको शायद मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। यह कहकर बर्बरीक गुफा के बाहर आ जाते हैं और दुर्योधन और कर्ण को प्रणाम करके बोलते हैं, बताइए कैसे आना हुआ तातश्री। अब यह सुनकर दुर्योधन कहते हैं, बालक, हमें तुम्हारी गुफा के अंदर जाना है और हम किसी को ढूंढ रहे हैं। अब इस पर बर्बरीक कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, इस समय आप भीतर नहीं जा सकते। तभी दुर्योधन कहते हैं, बालक, तुम शायद हमारी शक्तियों से परिचित नहीं हो, इसलिए हमें रोक रहे हो। फिर बर्बरीक मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप दोनों महाशक्तिशाली योद्धा हो, आप प्रयास करके देख सकते हो। अब इतने में ही दुर्योधन सैनिकों से कहते हैं, इसे यहां से हटाओ। लेकिन जैसे ही सैनिक बर्बरीक को हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही बर्बरीक धरती पर सिर्फ एक पैर मारकर ही साधारण से सैनिकों को गिरा देते हैं। अब यह देखकर दुर्योधन भयभीत होकर कर्ण से कहते हैं, मित्र, यह साधारण बालक नहीं है, इसे तुम्हारे जैसा योद्धा ही हरा सकता है। अब तब कर्ण बर्बरीक से बोलते हैं, बालक, हमारे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तब बर्बरीक कहते हैं, आप भी प्रयास कर लीजिए महारथी कर्ण। तब कर्ण बर्बरीक की ओर धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हैं और छोड़ देते हैं। तभी इतनी जोर से हवा चलती है कि वहां खड़े सारे सैनिकों में हाहाकार मच जाता है, लेकिन कर्ण के उस अस्त्र का प्रभाव बर्बरीक पर तनिक भर भी नहीं होता।
तभी बर्बरीक भी अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं और छोड़ देते हैं और उस अस्त्र से दुर्योधन घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। अब यह देखकर बर्बरीक हंसने लगते हैं और कहते हैं, आप ठीक तो हैं तातश्री। अब इससे दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता है और वे कर्ण को बोलते हैं, इस बालक को यम के पास पहुंचा दो मित्र। तब कर्ण बर्बरीक पर वरुणास्त्र चला देते हैं और बदले में बर्बरीक अग्नियास्त्र चला देते हैं। अब दोनों अस्त्र टकराकर नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसे ही दोनों में घमासान युद्ध चलता रहता है। अब दोनों ही वीर एक दूसरे पर भयानक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी परास्त नहीं होता। तब बर्बरीक अपने दिव्यास्त्र को आवाहन देते हैं और बोलते हैं, इस अस्त्र को कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन बर्बरीक अपना दिव्यास्त्र कर्ण के बजाय दुर्योधन पर छोड़ देते हैं और महारथी कर्ण अपने द्वारा उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसे रोक नहीं पाते हैं और वह अस्त्र दुर्योधन की ओर बढ़ने लगता है। अब यह देखकर महारथी कर्ण स्वयं दुर्योधन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फिर जब वो दिव्यास्त्र कर्ण से टकराने ही वाला होता है, तभी उनका दिव्य कवच प्रकट हो जाता है और उस कवच से टकराकर वो अस्त्र नष्ट हो जाता है। अब यह देखकर बर्बरीक को आश्चर्य होता है और मन ही मन वह सोचते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। इस दिव्यास्त्र को तो केवल इंद्र का वज्र ही रोक सकता था। तब दुर्योधन कहते हैं, यह भगवान सूर्य की अभेद अमृत से निर्मित दिव्य कवच है, इसे तीनों लोकों में कोई भी योद्धा तोड़ नहीं सकता। तुम्हारा हर प्रयास विफल हो जाएगा, या तुम्हारे बस की बात नहीं है बालक। तब बर्बरी क्रोध में आकर भगवान शिव का स्मरण करके एक साथ अपने तीनों अमोघ शक्तिशाली बाण छोड़ने जाते हैं। अब इतने में ही वहां पर भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और वो बर्बरीक से कहते हैं, पुत्र तुम इनके मार्ग से हट जाओ और जो भी भ्राता दुर्योधन देखना चाहते हैं उन्हें देखने दो। जिसके बाद दुर्योधन और कर्ण अंदर जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी माया से अदृश्य कर दिया था। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।